हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जयपुर की नर्सरी में आई हुई हूँ, गवर्नमेंट नर्सरी अगेन। और यहाँ पर मैं जस्ट, मेरे को एक मेडिसिनल किसी ने बताया था कि मेडिसिनल हर्ब्स जितने भी होते हैं वो गवर्नमेंट नर्सरीज़ में मिल जाते हैं, तो मैं बस वही चीज़ यहाँ पर देखने आई थी। और टचवुड, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं और मात्र 30 रुपीज़ में है। तो अगर आप लोग जयपुर में रहते हैं तो मैं अभी आपको सारे प्लांट्स दिखा दूंगी, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। मैं बता दूंगी, दुर्गापुरा जो अपना गौशाला है वहाँ आप, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको ये नर्सरी मिल जाएगी। और यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उन सबकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ से स्टार्ट है और 400 रुपये तक हैं, जो कि ये सजावटी पौधे लाइक पाम जितनी भी वेराइटीज़ हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सारे जितने भी यहाँ पर प्लांट्स हैं कि किस तरीके से हैं, किस कंडीशन में हैं और आप किस तरीके से उनको ले सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो पसंद आया करें, क्या करें तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करा करिए, क्योंकि मैं इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होते हैं राइट प्लेसेस या जो राइट इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो अगर आप आगे शेयर करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ सबको वो चीज़ पता चले। तो चलिए, मैं अभी यहाँ पर प्लांट्स आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके के यहाँ पर प्लांट्स हैं और किस कंडीशन में हैं। तो देखिए, यहाँ पर मोगरा है, अशोक है, जिन जिन प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं और जिनकी मुझे नॉलेज है वो मैं बता दे रही हूँ। सदाबहार की छोटी छोटी पौध हैं। इधर देखिए, गुलाब की कटिंग्स लगी हुई हैं। इधर ये गुड़हल का एक वैरायटी है, उसकी कटिंग लगी हुई है। देखिए, नर्सरीज़ में इस तरीके से तैयार करते हैं, एक क्यारी बनाते हैं, क्यारी के अंदर सारे पॉलीबैग्स को रख कर उसके अंदर कटिंग लगा देते हैं और इस क्यारी में खूब सारा पानी जो है वो भर देते हैं। ये देखिए, अलग अलग वैरायटीज़ हैं। देशी गुलाब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी उसमें मिल जाएगा कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से मैं परचेज करके लेकर गई थी लास्ट टाइम और वो गुलाब मेरा बहुत अच्छे चल रहा है। मैं आपको दिखाती रहती हूँ डेली वाले घर में। गुलाब आपको 30 रुपये में आपको एक छोटा पौध मिल जाएगा, जो कि सिंगल उसी टाइम से आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। ये पत्थर छट्टा है, जिसको किडनी स्टोन्स में जो होते हैं अपने उसमें खाया जाता है। ये है यहाँ पर, ये देखिए छोटे से एक क्यारी में, ये सारे के सारे देशी गुलाब हैं। तो मैं आपको बार बार रिकमेंड करती हूँ कि आप हाइब्रिड या उस पर मत जाइए, आप देशी चीज़ें उगाइए, उनके आपको खाने में फ़ायदे। देखिए, देखने में तो खूबसूरत हैं ही, इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी खुशबू भी अच्छी होती है और आप काफ़ी सारी चीज़ें इनकी घर में ही बना सकते हैं। तो देखिए कितना बम्पर यहाँ पर खिला हुआ है, किस तरह गर्मी आपको पता है तेज़ पड़ रही है, जयपुर का आपको टेम्परेचर पता ही होगा, लेकिन फिर भी देखिए कितनी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है इनमें और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है देशी गुलाब की। ये देखिए, सारे गुलाब की कटिंग लगी हुई है, बहुत छोटी छोटी सी हैं। पपीता है, इधर धतूरा है, अगेन पपीता है, ये डेविल बैकबोन। यहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो देशी चीज़ें होती हैं, जो कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, वो आपको प्लांट्स बहुत अच्छे और बहुत सही प्राइस में मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये नींबू है या मौसमी है, पता नहीं, जिस पर देखिए छोटे से पौधे पर ही फल आ रहा है, तो ये ग्राफ्टेड है। ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, मौसमी और नींबू के। अमरूद है, इधर ये अशोक के पौधे हैं। ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जिसमें ये सिंगोनियम है, क्रोटोन है, सफलेरा है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इधर ये सदाबहार जो बेल होती है अपनी फूलों वाली वो है, इधर मधुकामनी है। काफ़ी सारे पौधे हैं जो यहाँ पर बहुत ही सही प्राइस में मिल रहे हैं। प्राइजेस देखिए सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन आपको बाहर मार्केट से यहाँ पर सही प्राइस में मिलेंगे। ये देखिए अमरूद के कितने सारे पौधे हैं, इधर ये रिबन ग्रास, क्रिसमस ट्री, बैम्बू पाम, ये सारे सजावटी पौधे हैं जिनके प्राइजेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो आप एक बार आकर यहाँ पता कर लीजिएगा, लेकिन प्राइस आपको मार्केट से सही कीमत पर मिलेंगे। और ये देखिए, ये लोग भी ये जो पत्तियाँ मैं बार बार कहती हूँ कलेक्ट करके उसकी खाद बनाते हैं। देखिए कितना सारा ब्राउन कलर का गोल्ड पड़ा हुआ है, जो कि सारा का सारा खाद में कन्वर्ट होगा और आपके पौधों, जो आप पौधे लेकर जाते हैं उनको इसी में लगाया जाता है। सच कहूँ तो पहले इतनी अच्छी नहीं थी ये नर्सरी, लेकिन अभी काफ़ी सारे मैं चेंजेस, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो काफ़ी अच्छे चेंजेस इस नर्सरी में देख रही हूँ।
और आप गमले भी, मिट्टी के गमले परचेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गमले यहाँ पर मिलते हैं। प्राइजेज अगेन वही डिफरेंट हैं, आप आके एक बार पता कर लीजिएगा, लेकिन साइजेस सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। अब देखिए, एक ये है जहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसमें मॉर्निंग ग्लोरी है। बाकी ये देखिए, इनका सीज़न जा चुका है। उधर कॉलियस है, टमाटर की पौधे यानी सब्जियों की पौध भी यहाँ पर मिल रही हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये पत्थर चट्टा, ये देखिए सब्जियों की सैपलिंग तैयार हो रही हैं। ये सारा का सारा जो सेक्शन है, ये आयुर्वेदिक जो औषधियाँ के रूप में हम काम में लेते हैं, उसमें देखिए उधर गिलोय है, एलोवेरा है, इधर शतावरी है। शतावरी आपको पता है बहुत ज़बरदस्त उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। अगर आपने नहीं लगाया है तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ज़रूर जगह दीजिए। इधर पीपल है, पत्थरचट्टा है, उधर लिली, लिली के अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं। इधर ये काल मेघ है, जो मैं आपको नाम दिखा रही हूँ ना, इनकी सबकी अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। इधर निरगुंडी है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। स्टीविया मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मुझे मिल जाए, फाइनली यहाँ पर मिल गया है। ईसब गोल है, इधर खस, पामरोसा, इसका मुझे पता नहीं क्या किया जाता है, और उधर सर्फगंधा वगैरह, काफ़ी सारे प्लांट हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। और देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए छोटा सा एक आम का पौधा है, जिसके अंदर देखिए आप छोटी छोटी सी कैरियाँ आ रही हैं। तो ये ग्राफ्टेड प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे ग्राफ्ट किया हुआ है। इलायची है। तो फ्रेंड्स बस यही था, मैंने कहा बता दूं आपको, जो प्लांट्स मैं ढूंढ रही थी वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से अवेलेबल हैं। कुछ वैरायटी जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और घर में उनको ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी पर्सनली कि लगाना चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप जयपुर में रहते हैं तो प्लीज़ ये दुर्गापुरा जो कृषि फार्म है, सॉरी जो गौशाला है, इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। यहाँ पर आपको खाद वगैरह भी बहुत ही रीज़नेबल क्वालिटी उसमें प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिस खाद का मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैंने पिछले 18 साल यूज़ किया है अपने पॉट्स में, वो मैंने यहीं से ले जाकर किया है। तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। आप अगर गायों को चारा डालना चाहें तो उसके लिए भी आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो एक पंत दो काज हो जाएंगे कि आप गायों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, और प्रकृति के करीब आकर आप अपने जो ज़रूरत के पौधे हैं जिनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है वो आप ख़रीद पाएंगे। और देखिए छोटे छोटे से पौधों पर ही कलियाँ आ रही हैं, तो इनकी प्राइस 30 रुपीज़ ईच है, 30-25 रुपीज़ ईच, तो आप आराम से यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और मैं बस एक स्टीविया लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को कैरी करके ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी मैंने इसलिए आपको सबको दिखा दिया है कि ये सारे मेडिसिनल प्लांट हैं और 30 रुपीज़ में है मात्र ये। तो फ्रेंड्स ख़रीद लिया है मैंने स्टीविया। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा एटलीस्ट जयपुर के लोगों के साथ, कि वो यहाँ पर आकर विज़िट ज़रूर करें और यहाँ से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में प्लांट्स, पॉट्स एंड खाद खरीद के ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।